उसने मुझे क्यों एक तरफ कर दिया है, वो मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। आज की ये वीडियो बहुत अहम है और ऐसा अक्सर खवातीन के साथ होता है और उनकी शिकायत होती है कि उसने मुझे क्यों एक तरफ कर दिया है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, उसे मुझ में दिलचस्पी भी नहीं है। यकीनन ये सवाल आपको अंदर ही अंदर मार रहा है। मैं जानता हूं कि किसी को मोहब्बत में गिरफ्तार किए रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है। मैं जानता हूं कि आप उसे बहुत पसंद करती हैं और उससे हकीकी रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिशमंद भी है। सच तो ये है कि जो कि करवा है कि मर्द मोहब्बत में पढ़ने के बाद ताल्लुकात के हवाले से सीरियस नहीं होते। हाँ, वो आपको टेस्ट करेंगे, कॉल करेंगे, डेट पर ले जाने को भी तैयार होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों। दरअसल मर्द किसी से मोहब्बत में पड़ते हैं तो एक बात तो तमाम मर्दों में एक जैसी होती है और वो है कि वो आपको खोने से डरते हैं। मर्दों की एक दूसरी आदत के जिसमें तकरीबन सभी मर्द एक जैसे होते हैं कि अपनी मोहब्बत को अपनी मलकियत समझना। वो नहीं चाहते कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा आए। मर्दों में एक तीसरी आदत जो औरतों से ज्यादा पाई जाती है वो है उनका ईगो। तो ये मुमकिन है कि किसी और में दिलचस्पी ले, लेकिन वो ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे कि आप किसी से बात करें। अब इसका हल ये है कि दोनों जानिब से हर चीज़ बैलेंस में हो, मोहब्बत भी ताल्लुकात भी। मतलब कि मोहब्बत एक तरफा या सिर्फ आपकी जानिब से ना हो, और यही चीज़ आपके हालात बदल सकती है और उसे आपकी जानिब रागिब कर सकती है। पहला हल बैलेंस। अब इसका हल ये है कि दोनों जानिब से हर चीज़ बैलेंस में हो, मोहब्बत भी ताल्लुकात भी। मोहब्बत के मोहब्बत एक तरफा या सिर्फ आपकी जानिब से ना हो, और यही चीज़ आपके हालात बदल सकती है और उसे आपकी जानिब रागिब कर सकती है। अगर आपकी मोहब्बत एक तरफा होगी तो वो आपसे खेलता रहेगा, हालांकि आप सिर्फ ताल्लुकात का सोच रही हैं। इसीलिए इसका बेहतरीन हल अपना विजन तब्दील करें। दूसरा हल चैलेंज। अगर आप ताल्लुकात में थोड़ा फासला नहीं रखेंगी, आपकी कदर, आपकी वैल्यू कभी उसकी नज़र में नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, आप ठीक हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। जज्बात में बहने से कुछ नहीं मिलता, जो भी फैसला करें दिमाग से करें। मेरा मतलब आप बाइख्तियार बने, हाँ में हाँ और ना में ना ना करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप उसके लिए हलवा नहीं चैलेंज होंगी, और आपका चैलेंज ही आपकी कशिश बनेगा। बस अपने आप को मजबूत बनाएं, आपका चैलेंज आपकी कशिश ही आपकी वैल्यू है। सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।